करनाल में थानों में इंपाउंड वाहनों की संख्या अधिक हो गई है। थानों में उनको पार्क करने की जगह भी नहीं रही है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा इंपाउंड वाहनों को मंगलसेन ऑडिटोरियम करनाल में पार्क करने की योजना बनाई गई है। जानकारी देते हुए एसएचओ हरजिंदर सिंह ने बताया कि ऑडिटोरियम करनाल में गार्ड लगाकर इंपाउंड वाहनों को पार्क किया जाएगा। लॉकडाउन खत्म होने तक किसी के इंपाउंड वाहन को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने सभी जिला करनाल वासियों से अपील करते हुए यह भी कहा कि पुलिस को मजबूर ना करे, प्रशासन का साथ दे, नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ और अधिक सख्ती से निपटा जाएगा। एसएचओ हरजिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस कप्तान ने अपील की है कि वह अपने घर से ना निकले, केवल घर में ही रहे। कुछ लोगों का यह सोचना है कि मेरे अकेले से थोड़ी महामारी फैलेगी, मेरे को कौन देख रहा है। जैसा आप सभी को पता है कि कई देशों में केवल एक व्यक्ति के कारण वहां अब यह महामारी का रूप धारण कर चुका है और वहां पर काफी जान माल का नुकसान हुआ है। इसलिए लॉकडाउन के नियमों की पालना करें। जिला पुलिस और ड्रोन की मदद से पूरे शहर पर नजर रखे हुए हैं। अगर कोई बाहर बिना उचित कारण के मिला तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। अब तक लॉकडाउन के नियमों की उल्लंघना करने वालों पर कार्यवाही करते हुए 93 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें 130 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इस दौरान 2770 वाहन चालकों के चालान किए गए हैं, जिसमें से 920 वाहनों को इंपाउंड किया गया है। 1,81,00,000 का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि चालान करना, इंपाउंड करना या मुकदमा दर्ज करना हमारा मकसद नहीं है। जनता इस बात को समझे, नियमों को लागू कराना हमारा प्रथम कर्तव्य है। उन्हें लागू करवाने के लिए यह सब किया जा रहा है। अच्छा होगा अगर हर व्यक्ति इस बात को समझे और प्रशासन का साथ दे, ताकि कार्यवाही की आवश्यकता ना हो। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया की करनाल जिला वासियों से अपील है कि भारत सरकार द्वारा लोगों की हिफाजत को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। पहले लॉकडाउन में जिला वासियों की तरफ से प्रशासन की काफी मदद मिली है, जिस कारण करनाल में इस महामारी काफी हद तक सुरक्षित रही है। इसके बावजूद दूसरे चरण के लॉकडाउन को और अधिक सावधान रहने की जरूरत है। खुदा ना खास्ता अगर किसी एक व्यक्ति की लापरवाही के कारण यह महामारी को बढ़ावा मिला है तो हमारी पिछले दिनों में की गई मेहनत पर पानी फिर सकता है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के बीच में धारा 144 लगी हुई है। घर से बाहर आने में बिल्कुल बिना किसी मजबूरी के या बिना किसी जरूरी कार्य के आना बिल्कुल मना है। जिस देखते हुए पब्लिक जो इन बातों को फॉलो नहीं कर रहा वो कर रहा, उन सब गाड़ियों को हम इंपाउंड कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि ये थाना में करीब हजारों व्हीकल जो है इंपाउंड हुए हैं, और ऐसा ही खाली सिटी थाना में नहीं, जितने भी थाने हैं, 5 थाने हैं शहर के, सभी थानों में और जितनी हमारी आगे चौकी है, सभी चौकियाँ ऐसे भरी पड़ी हैं। और आज हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी आपको एक पब्लिक को एक अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि कृपया आप हमें, अब हमारे पास कोई पर्याप्त जगह नहीं है कि जहां व्हीकल खड़े कर ले, हमें जितनी हमारे पास जगह अवेलेबल थी वो सभी व्हीकल इंपाउंड करके हमारी भरगी है, तो हमें मजबूर ना करें और आप अपने घरों में रहें, हमें और जगह ऑक्यूपाई करने की और आप उसके लिए कोई वो अलग अल्टरनेट कोई ना ढूंढना पड़े। सर, कितने व्हीकल जो है इंपाउंड किया है, चलान भी बहुत काफ़ी लगे हैं, फिर भी लोग नहीं मान रहे। और देखिए, करीब 1000+ तो जो खाली थाना सिटी में, करीब 1500 के करीब हैं जो सभी सिटी थाना की और सभी चौकियों के मिला के हैं, और उसके अलावा बाकी सभी थानों में ऐसे ही व्हीकल भरे हुए हैं। पर अभी भी इसके बाद भी अगर हमें जगह चाहे कहीं और ऑक्यूपाई करनी पड़े, या पब्लिक कहीं इस बात के लिए भी ये भी ना रहे कि जगह खत्म हो गई है कुछ भी, पुलिस को चाहे कहीं और अरेंज करना पड़े, ये करेंगे। बट हमारी अपील है कि हम इस काम के लिए मजबूर ना करें और ये दोबारा में इतने व्हीकल इंपाउंड ना करने के लिए मजबूर करें, कुछ भी करें, अपने घरों में रहें, सेफ रहे और सुरक्षित रहे। आमतौर से क्या बहाने क्या दे रहे हैं लोग, ये जो बाइकों पे आते हैं पुलिस को नए नए बहाने सुना रहे हैं, बिल्कुल। देखिए, कुछ लोग खाली दवाई के पत्ते वगैरह या दवाई की कुछ स्लिप्स वगैरह लेके आते हैं बार बार, जो कि पुरानी डेट्स पर, जिस पर नई अपॉइंटमेंट नहीं है, ऐसी चीज़ें लेकर बहाने बनाते हैं कि हमें वहाँ जाना है, जो कि उसको बारीकी से देखा जाता है। जिसका कोई ज़रूरी कार्य या कोई बीमारी है तो उसको अलाउ भी किया जाता है, पर जिसका कोई ज़रूरी कार्य नहीं, बिना बात के हवाई हाथ घूम रहे, उन सबको इंपाउंड किया जाता है, उनके खिलाफ चलान किया जाता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.